प्रदेश के मैनपुरी जिले में पुनर्जन्म का मामला सामने आया है, जहां ओछा थाना क्षेत्र के गांव नगला सलेही निवासी प्रमोद कुमार गुरुवार को एक 8 वर्ष के बच्चे ने पिता से कहकर पुकारा प्रमोद। पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब बालक ने बताया कि नहर में नहाते वक्त डूबकर उसकी मौत हो गई, इतना सुनते प्रमोद और उनकी पत्नी ने बालक को गले लगा लिया और उनकी आंखें झलक आई। प्रमोद कुमार ने बताया कि उनके पुत्र रोहित की 13 वर्ष की उम्र में 2013 में नहर में डूबने से इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। उनका बेटा माध्यमिक विद्यालय सलेही में पढ़ता था। आसपास के लोग भी बच्चे की पुनर्जन्म की बातें सुनकर हैरान थे। उसने जो कुछ भी बताया ग्रामीणों के अनुसार वो सब सही है। इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बालक को साथ लेकर गाँव पहुँचे नगला अमर सिंह निवासी राम नरेश ने बताया की 8 वर्ष पूर्व उनके घर बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम चंद्रवीर रखा। जब वह बोलने लगा तो उसने अपने पुनर्जन्म की बातें उन्हें बताने लगा। वह अक्सर गांव नगला सलेही आकर माता पिता से मिलने की जिद करता रहता था, लेकिन वह बेटे को खोने के डर से उसके साथ नहीं ला रहे थे। अब वह बच्चे की जिद के आगे मजबूर होकर उसे लाए हैं। बालक के पुनर्जन्म की बातों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ एकत्र थी। इसी बीच वहां से नगला सलेही विद्यालय के प्रधान अध्यापक सुभाष यादव आ गए। उन्हें देखकर बालक ने उनके पैर छूकर नाम से संबोधित किया। प्रधान अध्यापक सब जानने के लिए बच्चे को विद्यालय से ले गए तो उसने पुनर्जन्म में अपनी कक्षा के बारे में भी बताया। अपने पुनर्जन्म के माता पिता के पास वह बेहद खुश नजर आया और उन्हें कई बातें बताई जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे। ये बताता है मैं पहले नगलिया में मतलब जन्म लिया था। अच्छा अच्छा, जान नगलिया। और वो प्रमोद थे, उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले? पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा अच्छा, माँ का तो अच्छा। उन्हें कब से याद करता जी? जी मतलब 4 साल से बोल लगा रहा था पहले। अच्छा अच्छा, आज आज गया ये वहाँ पे? आज ऐसा कल में कटिंग कराए हुए गए। अच्छा, ठोका पे वही बड़र्रा पे। अच्छा, तो उनने कही कि देखो ऐसे ऐसे माँ लड़का खत्म में होगा वो। अच्छा अच्छा, तो हमने कही क्या लड़का तो हमने हमारे यहाँ जन्म ले चुके। अच्छा अच्छा, तुम्हें कैसे पता है? तो तुमने क्या ना बताई? अच्छा अच्छा, हमने यानी बताई ना यार, मेरे तो एक लड़का है बड़ो भाव यादगारी है। अच्छा अच्छा, तो हमने जहाँ पे माता पीट तरह ना सारे में चुप पे जाओ तुम। अच्छा अच्छा, हमें तुम्हें को तुम्हें याद दिया तो हमने हम क्या करें? तुम मरा जाए कि भाई भाग जाओ, फिर जहाँ क्यों रह रहे हो हमारे पास? वो कह रहा हूँ मैं मैत्रा के लड़का है, वो कह रहा हूँ मैं नाइफ के लड़का है। तो बताओ, मेरे तो कोई है ही ना, फिर हम क्या करें? तुम जाओ फिर भागो यहाँ से। तो पौधे पौधे कहते हैं। और मम्मी का नाम? नाम है? अच्छा, मम्मी का नाम बताओ। मम्मी का नाम ऊषा है। मम्मी का नाम ऊषा है। आज जब आप वहाँ गांव में गए थे तो मम्मी पापा को आपने पहचान लिया? हाँ। फिर मम्मी पापा ने क्या कहा का नाम? अच्छा अच्छा, आपकी मौत कैसे हो गई थी? अच्छा, नहर में डूब गए थे आप? आज एक बच्चा आया था, वो कह रहा था कि वो आपका बेटा है, पुनर्जन्म हुआ है उसका। तो क्या घटना हो गई थी जिससे आपका बेटा खत्म हो गया था? वो भैंस चुमाने गए थे, सो नहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? 9 साल पहले। अच्छा अच्छा, आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा, और जो माँ साहब सुभाष रहते हैं इनको पहचानो, मम्मी को पहचानो या बेटिया पहचानो। अच्छा अच्छा, अच्छा आप उनके दाऊ हैं? हाँ, लड़के के दाऊ हैं। ये क्या घटना है कनब, कैसे खत्म हो गया था? ये भैंस के संग चला गया था यहाँ से। अच्छा अच्छा, भैंस नहर चराने के लिए। अच्छा अच्छा, वो ऐसा हुआ सो वो नहर में भैंस घुस गई, वो भी चला गया। अच्छा, तो खत्म हो गया था? वो खत्म हो गया। कितने साल पहले? ये 4 मई 2013। आज एक जो लड़का आया था वो कह रहा था कि हमने जन्म लिया, वो सही बात है? हाँ सही है, बता था पहचान लिया जो उसने पहचान लिया था। पहचान लिया। आप मम्मी है? अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम ऊषा। ऊषा ऊषा, बोलो। क्या नाम है आपका? ऊषा। आप
क्या नाम है आपका? आपका जो बेटा जैसे पहले की जन्म की याददाश्त थी तो आपने इसको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया? भैया मैं तो डर लगा था, मैंने तो धमकाया था, मैंने तो सही बताया। अच्छा अच्छा, अब नहर की क्या, तुम नहर में गिर जाएंगे तो फायदा का चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वैसे ना जान दो मन तो। अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब जे मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप आते जाते रहे। और घर और मान के चलिए उनकी माँ ने, पहली वाली माँ ने कहा कि हमें लड़का, हमें अपना बच्चा चाहिए, ये तब क्या करेंगी? तो आते जाते रहे, बच्चा नहीं देंगी, नहीं बच्चा नहीं देंगे। अच्छा अच्छा।